नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बैतूल मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 27 दिसंबर 2022 की बात है। बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग के बीट गार्ड शांतिलाल पचौरिया दोपहर के समय इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान डोल के आसपास से बदबू आ रही थी। मौके पर जाकर उन्होंने देखा तो एक मरा हुआ बैल दिखाई दिया। उसे देखकर वो वापस लौट आए। दूसरे दिन 28 दिसंबर को जब बदबू ज्यादा आने लगी तो उन्होंने आसपास के इलाकों में सर्च की। सर्चिंग के दौरान हनुमान डोल मंदिर से करीब 50 मीटर दूर एक पुलिया के नीचे प्लेटफॉर्म से सटी रेत पर चादर से लिपटा एक शव बीट गार्ड को दिखाई दिया। शव मिलने की सूचना तब उसने थाना रानीपुर को दे दी। तब तक शाम हो चुकी थी। तीसरे दिन 29 दिसंबर 2023 को जब रानीपुर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंची तो देखा कि शव के सिर्फ पैर दिख रहे थे। शव पत्थर और रेत में ढका हुआ था। जब पुलिस टीम ने शव बाहर निकाला तो एक धड़ मिला जिसके शरीर से सिर गायब था। कपड़ों के लिहाज से ये लाश किसी महिला की थी। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ रोशन जैन, टीआई अपाला सिंह को महिला का शव जिस हालत में मिला था उससे लग रहा था कि वो किसी मिडिल क्लास परिवार से है। जंगल में लाश मिलने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना तत्काल ही बैतूल जिले के आला अधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलते ही जिले के एसपी सिमाला प्रसाद, एडिशनल एसपी नीरज सोनी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश का मुआयना करने के बाद एसपी ने टीआई को केस का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। जरूरी कार्रवाई करने के बाद टीआई अपाला सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बैतूल जिले की पुलिस के लिए महिला की सिरकटी लाश पहली बनी हुई थी। सिर न होने से महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लाश की शिनाख्त के लिए करीब 500 गुमशुदा महिलाओं की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इस शव से जुड़ी जानकारी अन्य थानों में देने के साथ सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। एसपी सिमाला प्रसाद ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने बैतूल और सीमावर्ती जिले होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, खरगोन के अलावा भोपाल, इंदौर के साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से गुम महिलाओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें करीब 500 महिलाओं की जानकारी प्राप्त कर शव की पहचान करने की कोशिश की गई, मगर फिर भी कोई पुख्ता सुराग पुलिस को नहीं मिल सका। मध्य प्रदेश की बैतूल में विवेकानंद वार्ड की रहने वाली 41 साल की राधा राजपूत अपने पति और 14 साल के बेटे सौर्य और 9 साल के बेटे शक्ति के साथ रहती है। राधा का मायका देवरी जिला सागर में है। पिछले 2 महीनों से राधा का भाई दिलीप डांगी कई बार अपनी बहन राधा से बात करने के लिए संपर्क कर चुका था, लेकिन उससे उसकी बात नहीं हो पा रही थी। बहनोई शैलेंद्र को भी वो कई बार फोन कर चुका था, मगर उसका फोन आउट ऑफ कवरेज रहता था। होली के दिन की बात है, रात में खाना खाकर दिलीप ने अपने जीजा को फोन मिलाया तो इस बार शैलेंद्र ने फोन कॉल रिसीव करते हुए पूछा, हाँ बोलो दिलीप भाई, बहुत दिनों बाद याद किया, क्या हालचाल है? अरे जीजा जी, सब ठीक ठाक है। बहुत दिनों से हमारी राधा दीदी से बात नहीं हुई तो सोचा आज होली का त्यौहार है, इसी बहाने उससे बात कर लूं। दिलीप ने शैलेंद्र से कहा, लेकिन तुम्हारी दीदी तो 8-10 दिन पहले ही देवरी जाने को बोल कर गई है, क्या तुम्हारे पास नहीं पहुंची? शैलेंद्र ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अरे जीजा, काहे मजाक कर रहे हो, चलो जल्दी से राधा से बात कराओ। दिलीप बोला, अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। राधा घर पर यही बोलकर निकली है कि काफी दिनों से वो अपने मायके नहीं गई, इसलिए होली पर गुलाल लगाने भाई के घर जा रही है। यकीन ना हो तो शक्ति और सौर्य से बात कर लो। शैलेंद्र ने दिलीप को यकीन दिलाते हुए मोबाइल अपने बड़े बेटे सौर्य को पकड़ाते हुए कहा। सौर्य ने दिलीप को बताया, मामा जी, मम्मी तो यहाँ से ये बोलकर गई है कि कुछ दिनों के लिए मामा के यहाँ जा रही हूँ। दिलीप को काटो तो खून नहीं, वो अपनी बहन राधा को लेकर चिंतित हो गया। दिलीप को पता था कि उसका जीजा राधा से पैसों को लेकर आए दिन झगड़ा करता रहता है।
राधा के बारे में उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। दिलीप ने उसके दूसरे रिश्तेदारों से राधा की खैर खबर मांगी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिर में दिलीप बहन के घर बैतूल पहुंचा तो उसका जीजा शैलेंद्र घर पर नहीं मिला। अपने भांजे सौर्य और शक्ति से जब बात की तो वे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राधा के दोनों बेटे भी डरे सहमे से घर पर मिले। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि राधा को उन्होंने करीब 2 महीने से नहीं देखा। जब बच्चों से पूछते हैं तो वे यही जवाब देते हैं कि मम्मी मामा के यहाँ गई है। दिलीप को जब शंका हुई तो उसने 13 मार्च 2023 को बैतूलगंज पुलिस थाने में जाकर अपनी बहन राधा की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बहन राधा और जीजा शैलेंद्र के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसे शंका है कि कहीं उसके जीजा ने बहन के साथ कोई बुरा सलूक ना कर दिया हो। 13 मार्च 2023 को राधा के भाई दिलीप ने जब राधा की गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने राधा के पति शैलेंद्र राजपूत व घर वालों को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया, मगर शैलेंद्र रंगपंचमी से ही अपने घर से फरार हो गया था। इससे पुलिस का शैलेंद्र पर शक और गहरा गया। पुलिस ने जब शैलेंद्र के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि उसकी पहली पत्नी कल्पना की मौत आग लगने की वजह से हुई थी। शैलेंद्र की कल्पना से एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। कल्पना की मौत के बाद शैलेंद्र ने राधा से शादी कर ली थी। कल्पना के मायके वालों ने शैलेंद्र पर कोतवाली थाने में दहेज प्रताड़ना के साथ जलाकर मारने का मुकदमा दर्ज कराया था। राधा को भी शैलेंद्र प्रताड़ित करता रहता था। इस बात की जानकारी राधा के भाई दिलीप को भी थी। जब भी दिलीप राधा से इस बारे में बात करता तो राधा भाई को समझाकर कहती, भैया घर गृहस्थी में ये सब चलता रहता है, अपने बेटों की खातिर मैं पति की प्रताड़ना भी सह लूंगी। राधा के भाई दिलीप डांगी को जब बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर 2022 को मिली एक महिला की सिरकटी लाश की फोटो दिखाई गई तो शरीर की बनावट और कपड़ों से दिलीप ने उसकी पहचान राधा के तौर पर कर दी। पुलिस को सिरकटी लाश के पास पैर की उंगली में पहने जाने वाली बिछिया मिली थी। जब पुलिस ने राधा के घर की तलाशी ली तो उसी प्रकार की दूसरी बिछिया राधा के सामान में मिली थी। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि सिरकटी लाश राधा राजपूत की है। पति शैलेंद्र के फरार होने के बाद पुलिस का शक पति पर गया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। एसपी सिमाला प्रसाद और एडिशनल एसपी नीरज सोनी के निर्देश पर आरोपी की तलाश सेतु थाना रानीपुर की टीआई अपाला सिंह, इंस्पेक्टर रविकांत ढेरिया, एसआई आबिद अंसारी इत्यादि लोगों की टीम गठित कर दी। साइबर टीम ने सबसे पहले शैलेंद्र के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे शहर की मिल रही थी। पुलिस टीम ने 8 दिन की मशक्कत के बाद राधा के पति शैलेंद्र को पुणे महाराष्ट्र में श्रीनिवास कंपनी नौलखा उमरी के पास से गिरफ्तार किया था। वहां पर वो अपने दोस्त गोविंद के साथ रह रहा था। गोविंद बैतूल के कतरढाना इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने शैलेंद्र को पुलिस थाने लाकर पूछताछ की तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति दिखाई तो वो टूट गया। शैलेंद्र ने पुलिस के सामने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पति शैलेंद्र राजपूत, नाबालिग बेटे और आरोपी को घर में छिपाकर रखने के मामले में गोविंद वरकड़े को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो राधा की हत्या की कहानी से पर्दा उठ गया। 45 साल के शैलेंद्र राजपूत के पिता वन विभाग में बीट गार्ड के पद पर नौकरी करते थे। पिता की मौत के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल गई थी। शैलेंद्र आलसी और कामचोर था। पिता की नौकरी मिलते ही आवारागर्दी करने वाले शैलेंद्र के दिन फिर गए थे। वो अपने ऐशो आराम के लिए नई कार ले आया। नौकरी से मिलने वाला पैसा वो शराब पीने और अय्याशी में खर्च करने लगा। नशे की लत और रंगीन मिजाज होने के कारण गलत तरीके से पैसा कमाने का आदि हो चुका था। शैलेंद्र जंगल में सागौन की तस्करी करने लगा। कुछ समय पहले जंगल में बंकर बनाने के नाम पर उसने सागौन की अवैध कटाई करके लाखों रुपए की लकड़ी की खरीद फरोख्त की थी। बैतूल जिले के इतिहास में पहली बार वन विभाग का बंकर कांड सामने आया, जिसमें बंकर बनाकर आरा मशीन लगाकर अवैध सागौन की कटाई की जाती थी। इसकी जांच की गई तो उसे कसूरवार मानकर नौकरी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 379-120 के तहत मामला दर्ज किया गया।
शैलेंद्र के आसिक मिजाजी की वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। राधा के नाम उसके मायके सागर जिले के देवरी में एक प्लॉट था जिसे उसने अपने भाई दिलीप की मदद से बेच दिया था। राधा पति की पैसे उड़ाने की आदत जानती थी जिसकी वजह से मायके में बेचे गए प्लॉट के पैसे राधा ने भाई के पास जमा करवा दिए थे जिससे कि वो पैसे उसके दोनों बेटों के भविष्य में काम आ सके। इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। यही नहीं शैलेंद्र के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर भी घर में झगड़े होते थे। घटना के दिन भी जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए तब शैलेंद्र ने गुस्से में आकर राधा को उल्हाना देते हुए कहा, मेरी नौकरी चले जाने की वजह से पैसों को तरस रहा हूँ और तेरा भाई प्लॉट के पैसे दबाए बैठा है, उससे पैसे क्यों नहीं मांग लेती? भाई से पैसे लाकर तुम्हें दे दूं जिससे तुम गुलछर्रे उड़ा सको। प्लॉट के पैसों को मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा कर रखा है, उसमें से तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी, राधा ने भी दो टूक जवाब देते हुए कहा। राधा के इस तरह से जवाब देने से शैलेंद्र भड़क गया और गुस्से में आकर घर के आंगन में रखा फावड़ा पत्नी के सिर पर दे मारा जिससे राधा के सिर से खून की धारा बहने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। ये घटना 7 दिसंबर 2022 की है। शैलेंद्र ने फावड़े से राधा की हत्या कर दी और दिन भर शव घर में ही रखा। उसने कपड़ों से आसपास बिखरे खून को साफ कर दिया था। दोनों बच्चों के स्कूल से घर आने के बाद उसने बड़े बेटे के सामने रोते हुए कहा, बेटा आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने गुस्से में आकर तेरी मम्मी को मार दिया, अब पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी, अब तुम दोनों का क्या होगा? ये सुनकर स्वरे रोने लगा तो शैलेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा यदि हम तेरी मम्मी की लाश को किसी तरह ठिकाने लगा दे तो किसी को शक नहीं होगा और मैं तुम दोनों बच्चों को अनाथ होने से बचा भी लूंगा। 14 साल का मासूम पिता के जेल जाने की सोचकर सहम गया और उसे पिता को बचाने का ये तरीका अच्छा लगा तो उसने पिता की बात पर सहमति दे दी। रात में उसी दिन अपनी कार में पत्नी राधा की लाश को कपड़ों में छिपाकर दोनों हनुमान डोल मंदिर के पास बनी पुलिया पर पहुंच गए और पुलिया के नीचे ले जाकर शव फेंक दिया। वे अपने साथ लोहे की आरी लेकर गए थे। लाश की पहचान ना हो सके इस कारण शैलेंद्र ने राधा का सिर अपने बेटे की मदद से आरी से काटकर अलग कर दिया और शव को रेत पत्थर से ढक दिया। दोनों अपनी कार में सिर को कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आए। फिर बाप बेटे ने प्लानिंग करके सिर को नेशनल हाईवे पर शाहपुर के पास ले जाकर एक गड्ढे में पेट्रोल डालकर जला दिया। जैसे ही शैलेंद्र को पता चला कि राधा के भाई दिलीप ने पुलिस में राधा की गुमशुदगी दर्ज कराई है तो शैलेंद्र अपने बच्चों को पास में ही रहने वाली अपनी माँ के पास छोड़कर अपने घर से भाग निकला। नागपुर की तरफ जाते समय उसने पुणे में रहने वाले अपने दोस्त गोविंद को फोन करके बातचीत की। हेलो गोविंद, मैं बैतूल से शैलेंद्र बोल रहा हूँ, भाई मैं बड़े संकट में फंस गया हूँ, तेरी मदद की इस समय मुझे बहुत जरूरत है, शैलेंद्र बोला। संकट के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है, बताओ शैलेंद्र मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, गोविंद ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। गोविंद कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ पुणे में रहना चाहता हूँ, तुम मुझ पर एक उपकार करोगे तो शायद मैं बड़े संकट से बच जाऊंगा, शैलेंद्र बोला। अब पहेलियां ना बुझाओ शैलेंद्र, तुम पुणे आ जाओ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, गोविंद ने उसे पुणे आने का न्योता देते हुए कहा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, शैलेंद्र की मन की मुराद पूरी हो गई। वो नागपुर से ट्रेन पकड़कर पुणे पहुंच गया। पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसने गोविंद को फोन लगा दिया। बचपन का दोस्त गोविंद बरकड़े उसे लेने स्टेशन आ गया। गोविंद ने घर ले जाकर शैलेंद्र को खाना खिलाया और उससे परिवार का हालचाल पूछा तो शैलेंद्र ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए गोविंद को बताया कि पत्नी राधा से झगड़ा होने की वजह से उसने उसे फावड़ा मार दिया था जिससे राधा की मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए वो पुणे आया है। गोविंद ने फरारी काटने के लिए शैलेंद्र को अपने घर पर पनाह देते हुए भरोसा दिलाया कि थोड़े ही दिनों में उसे किसी कंपनी में काम दिलवा देगा और यहाँ पुलिस उसे खोज भी नहीं पाएगी। मगर पुलिस की पकड़ से वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं सका। मोबाइल लोकेशन के आधार पर 22 मार्च 2023 को बैतूल पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र को फरारी काटने में मदद करने के आरोप में गोविंद वरकड़े को भी हिरासत में ले लिया गया। 23 मार्च को बैतूल कंट्रोल रूम में SP शिमला प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा किया।
शैलेंद्र और गोविंद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को बैतूल जेल भेज दिया गया था। नाबालिग बेटे सौर्य को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। नशाखोरी और अय्यासी की वजह से शैलेंद्र की गृहस्थी उजड़ गई और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। गलत रास्ते पर चलने वाले दोस्त को सहयोग करने वाले गोविंद को भी अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा और पढ़ने लिखने की उम्र में नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह में जाने को मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।